यू आर वॉचिंग डेनिंग डग एंड वेलकम टू द वीडियो। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त बनीगाला में जो है वो पुलिस और एससी के एहलकार काफ़ी तादाद के अंदर आना शुरू हो गए हैं और बनीगाला के जो इमरान खान की रिहाइश है उसको घेरे में उन्होंने ले लिया है। और उसके साथ पीटीआई के जो कारकुनान और उनके हमदर्द हैं वो भी इस वक्त पूरे केपी के और इस्लामाबाद और रावलपिंडी से जो है वो पहुंचना शुरू हो गए अपने कायद और लीडर की गिरफ्तारी से बचाने के लिए। वो उनकी मोहब्बत में बनीगाला के मुकाम के ऊपर पहुंच चुके हैं। मुकाबला नहीं कर रही क्योंकि इमरान के साथ पाकिस्तान की अवाम खड़ी है। पाकिस्तान के अवाम खलूस दिल से अपने आने वाली आजादी के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, हकीकी आजादी के लिए इमरान खान के साथ खड़ी होगी है। इंशाल्लाह ये जितना डराएंगे हम इतना ऊपर के ऊपर आएगी पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान इनके लिए हक की जंग लड़ रहा है। इसके साथ जो इमरान खान के साथ और इस वक्त आईजी इस्लामाबाद के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके पास इमरान खान की गिरफ्तारी के ऑर्डर मौजूद हैं। अब तक ये ऑफिशियल न्यूज़ अनाउंस नहीं की गई है कि आईजी के पास इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट्स हैं या नहीं हैं। कहना कबल इस वक्त होगा कि इमरान खान की गिरफ्तारी किस वक्त अमल में आ सकती है और इससे एक सियासी बोरान से हिफाजत है। कल के जलसे में इमरान खान ने इमरान खान चौकी कुछ बातें की थी, उसके बाद उनके ऊपर जो है वो मीडिया के ऊपर लाइव कवरेज देने की पाबंदी लग चुकी थी। और आज जी ये बनीगाला चौक है और आप देख रहे हैं कि पुलिस वाले मोटरसाइकिलों पे दो जा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं और इतनी सेंसिटिव जगह पर जब यहाँ पे तकरीबन ये सैकड़ों लोग हैं जो पहुँच चुके हैं, जो पहुँच रहे हैं और यहाँ पे बिजली बंद कर दी गई है। ये हैरान कन तौर पर यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इतनी सेंसिटिव जगह पे बिजली बंद करना ये समस्या वाला है। अस्सलाम वालेकुम।